सिर्फ श्रीनगर में लगा ना ऐसा भारत सरकार का नहीं, देश भर में पूरे स्टेट के स्टेट कैपिटल्स में ये मीटिंग हुई। उसी सिलसिला के अंदर क्योंकि आज भारत का अध्यक्षता है, 250 मीटिंग 56 सिटीज में हो रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर का स्टेट हमारा श्रीनगर में पुराना शहर है, हिस्टोरिक शहर है, ब्यूटीफुल सिटी है, इसमें करने का निर्णय किया है क्योंकि इसमें थोड़ा हम ज़्यादा प्रिकॉशन लिया है। बहुत साल के बाद ऐसा इवेंट श्रीनगर में हो रहे, बहुत अलग अलग इंसिडेंट हुआ, अलग अलग समस्या थे जम्मू कश्मीर में। अभी श्रीनगर में भी एक वातावरण ठीक है, लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर में विकास हो, जम्मू कश्मीर भारत के जैसा अलग अलग स्टेडियम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में भी हो। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अलग स्टेट में होते हैं, हमारे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। ऐसा जम्मू कश्मीर का आम जनता भी आज चर्चा करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद भी करते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर हम जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है क्योंकि अभी पैंडेमिक के बाद भी लास्ट ईयर 7% ऑफ GDP सिर्फ टूरिज्म के द्वारा जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट को मिला है। इसको हम इस साल में 15% कैसा ले जाना चाहिए और लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसा मिलना चाहिए, इसमें जो G20 मीटिंग का जो जम्मू कश्मीर हो रही है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए फ़ायदा ना होगा, सारी भारत के लिए फ़ायदा होगा, सारी दुनिया के टूरिस्ट भी एक जम्मू कश्मीर का ब्यूटी है, जम्मू कश्मीर का जनता का जो आतिथ्य देवों के नाम पर जो स्वागत करते हैं, इसलिए वो सारी दुनिया के टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए, भारत का टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए, भारत का जो ब्यूटी है, जम्मू कश्मीर का जो ब्यूटी है दुनिया के सामने हम आविष्कार कर सकते हैं।